आमंत्रित हैं श्री सुनील भारती मित्तल जी, चेयरमैन भारती एंटरप्राइजेस। उनसे निवेदन है सम्मानित सभा को संबोधित करने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री लोकप्रिय मोदी जी, श्री अश्विनी वैष्णव चौहान जी, सेक्रेटरी टेलीकॉम, मेरे इंडस्ट्री के साथी मुकेश अंबानी जी, कुमार बिरला, मेरे पुराने हमसफर राजीव चंद्रशेखर जो यहाँ आज मौजूद हैं, डिस्टिंग्विश गेस्ट और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो पिछले कई दशकों से मेरे साथ टेलीकॉम में चले हैं, उन सबका आज स्वागत है। आज एक बहुत ही अहम दिन है देश के लिए, एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है और मेरा ये मानना है कि इस युग की शुरुआत जो ये 75वीं साल की आज़ादी की अमृत महोत्सव के टाइम पे हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ये एक देश में नई जागरूकता लाएगी, एक नई एनर्जी लाएगी और इससे जैसे अभी मुकेश ने भी बताया कि बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज हमारे देशवासियों के लिए खुलेंगी। जो रूरल एरियाज हैं, जो आज शायद कुछ अभाव महसूस कर रहे हैं, उनको हर चीज से जोड़ा जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगा कि हमें इस बात का गर्व है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास आज एक ऐसे लीडर हैं जो टेक्नोलॉजी को बारीकी से समझते हैं और बाखूबी से सजाते हैं। मैं दुनिया में जाता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ, टेक्नोलॉजी की अप्रिसिएशन तो शायद बहुत लीडर्स करते हैं पर उसकी बारीकी से समझ और उसकी जोड़ना देश की उन्नति के लिए मेरे हिसाब से शायद जो मोदी जी कर सकते हैं वो कोई भी और नहीं कर सकता। मैंने बहुत क्लोज से देखा है, जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तो ई ग्राम लाने वाले सैटेलाइट कनेक्टिविटी से सारे गांव को गुजरात में जोड़ा गया ताकि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से उनको जल्द से जल्द हर चीज मुहैया कराई जाए। ड्रिप इरिगेशन का काम हिंदुस्तान में सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात जब होती थी तो गुजरात सबसे आगे निकलता था, इंडस्ट्री की सपोर्ट के लिए सबसे आगे आते थे क्योंकि उनको मालूम है कि इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इससे अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो आज हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आप जैसे नेता देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कुछ आके सबके सामने विजन रखे, उसमें डिजिटल इंडिया का एक विजन था जो हमने पकड़ा और मेरा ये मानना है कि उस विजन के बिना इस पेंडेमिक में हमारी शायद देश में बहुत दुर्गति होती। आपने आके जब ये डिजिटल विजन दिया उससे एक एक्सेलरेशन हुई और मैं मुकेश को अब सराहना करूंगा कि उन्होंने आके जो हम 4G ऑलरेडी चला रहे थे उसको बहुत गति दी और हम सबको भागना पड़ा, बहुत तेज से पकड़ना पड़ा। और जब पेंडेमिक की मार पड़ी तो रातों रात ट्रैफिक शहरों से गांव में पहुंचाया, दफ्तरों से घरों में पहुंचाया, इस देश की एक मिनट के लिए भी धड़कन नहीं रुकी, हमारा काम लगातार चलता रहा और उस डिजिटल विजन को उसका श्रेय जाता है। मोदी जी ने बात की मेक इन इंडिया की, इन्होंने नारा लगाया लाल किले से मेक इन इंडिया का। मैं आज ये कन्फेस करता हूं कि मेरा ये मानना था कि मेरी जिंदगी में इस देश में मैन्युफैक्चरिंग नहीं बन पाएगी, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स में। 500-600 बिलियन डॉलर की हम इंपोर्ट करते हैं, मेरे को उम्मीद नहीं थी, उससे थोड़ी उम्मीद आई पर आज तो ये रियलिटी बन गई है कि ये देश मैन्युफैक्चरिंग का देश बनने जा रहा है। डिजिटल के साथ उन्होंने स्टार्टअप इंडिया का नारा लगाया, हर महीने यूनिकॉर्न पैदा होने शुरू हो गए हैं और मेरा ये मानना है कि 5G के तहत आने वाले सालों में सैकड़ों यूज केस, हजारों और एंटरप्रेन्योर और दर्जनों और यूनिकॉर्न इस देश में पैदा होंगे, वो भी उसका श्रेय स्टार्टअप इंडिया को जाता है। मोदी जी 40 साल पहले इसी अक्टूबर में 1982 में ताइवान में मैंने एक पुश बटन टेलीफोन देखा और उसको हिंदुस्तान में लेके आया, यहां पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। आज 40 साल के बाद मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि आज वही भारतीय एयरटेल
जो कि बहुत छोटी उम्र में अपना टेलीकॉम में कदम रखा था 40 साल पहले, आज 5G में आगे सबसे आगे चल के इस देश की सेवा में जुटी हुई है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारती के सब लोग और एयरटेल के सब लोग पूरे जोर से, पूरी अपना हिम्मत से 5G को देश में फैलाएंगे और 2023 मार्च तक काफी शहरों में और 2024 मार्च तक सारे देश में 5G का फैलाव करेंगे। और आज जहां जब आप लॉन्च करेंगे इस 5G को, तो 8 शहरों में आज 5G एयरटेल की तरफ से उपलब्ध होगा, दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, बेंगलोर और कई शहरों में। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने आके यहां आज सबकी शोभा बढ़ाई है। खास तौर पे मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा DOT को और COI को, जिन्होंने आज इस IMC को एक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के लेवल पे आज लेके गए हैं। आज अगर आप बाहर जाएंगे तो देखेंगे कि दुनिया में कहीं भी आप एग्जीबिशन देखेंगे, उससे आज यहां कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।